डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपका है फ्रूट के बारे में। ये किसके बारे में है? फ्रूट के बारे में। ये जो फ्रूट है, ठीक है, सीड तो हम पढ़ चुके, ठीक है, यानी कि फ्रूट के पार्ट होते हैं दो, एक तो पेरिकार्प और दूसरा क्या कहता है सीड। सीड के स्ट्रक्चर को तो आप पढ़ चुके हैं। ये पेरिकार्प किससे डेवलप होता है? ओवरी के वॉल से, ओवरी के वॉल से, ठीक है, ओवरी के वॉल से डेवलप होता है पेरिकार्प। ओके, कहते हैं ये पेरिकार्प जो आप देख रहे हैं, ये पेरिकार्प, ठीक है, जो फ्लेसी फ्रूट होता है, ठीक है, जो फ्लेसी फ्रूट होगा, जिसके थिक पार्ट होंगे, फ्लेसी होंगे, वो फ्रूट जो ड्राई नहीं होगा, ठीक है, फ्लेसी होगा, उस फ्लेसी फ्रूट में, ठीक है, ये पेरिकार्प तीन पार्ट में बटे होते हैं। पेरिकार्प कितने पार्ट में बटे होंगे? तीन पार्ट, ठीक है जी। पेरी का मतलब चारों ओर, कार्प का मतलब फ्रूट, तो ये तीन पार्ट में बटे होते हैं, ठीक है। कहते हैं कौन कौन? कहते हैं एक एपिकार्प, दूसरा मीजोकार्प और तीसरा इंडोकार्प, ठीक है, एपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प, ठीक है। अगर हम लेते हैं मैंगो का एग्जांपल, ठीक है, अगर हम लेते हैं कोकोनट का एग्जांपल, ठीक है बच्चे, मैंगो और कोकोनट, ये दो एग्जांपल हमने लिया, ठीक है, क्लियर। मैंगो को क्या बोलते हैं मालूम है? किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का राजा। और कोकोनट को क्या बोलते हैं? कल्प वृक्ष, ट्री ऑफ हेवन। इसलिए मैंने दोनों को लिया। देखिए इसको बोलते हैं ट्री ऑफ हेवन, ट्री ऑफ हेवन, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? किंग ऑफ मैंगो, किंग ऑफ मैंगो। और जानते हैं दोनों का जो इंडोकार्प होता है वो स्टोनी होता है, हार्ड होता है, ठीक है, दोनों को निकाल के देखिएगा, ठीक है। तो ये इंडोकार्प क्या होता है? स्टोनी होता है। ये एक ग्रुप में आता है, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ड्रूप। क्या बोलते हैं? ड्रूप, ठीक है, ड्रूप। ये फ्रूट का एक स्पेशल ग्रुप है जिसको क्या बोलते हैं? ड्रूप। यानी ड्रूप वैसे फ्रूट का कलेक्शन है जिसमें इंडोकार्प क्या होता है? हार्ड होता है, स्टोनी होता है, ठीक है, पत्थर की तरह होता है, जल्दी नहीं टूटेगा, खूब पटक के, देखते हैं नारियल को खूब पटक के तोड़ना पड़ता है, ठीक है। कहता है कि इन दोनों में, ठीक है, इसका एडिबल पार्ट क्या है? इसका एडिबल पार्ट तो खूब रटे हैं आप, मीजोकार्प, ठीक है, मीजोकार्प किसका है? मैंगो का। तो मैंगो का एडिबल पार्ट है मीजोकार्प, मैंगो जी मैंगो। बट इसका कोकोनट में मीजोकार्प फाइब्रस होता है, बट इट इज फाइब्रस इन, ठीक है, कोकोनट, कोकोनट में ये क्या होता है? फाइब्रस। उससे, ठीक है, क्या बनता है? चटाई वगैरह बनता है, ठीक है। और यहां पे ये क्या होता है? एडिबल होता है, एडिबल होता है। इंडो, यहां पे जो कोकोनट होता है, कोकोनट का एडिबल पार्ट क्या होता है? कुछ होता ही नहीं है, ना मीजोकार्प, ना इंडोकार्प, ना मीजोकार्प। उसका एडिबल पार्ट है इंडोस्पर्म, जो सीड के अंदर होता है, उसका एडिबल पार्ट कौन है? इंडोस्पर्म, ठीक है। और इंडोस्पर्म उसका एडिबल पार्ट है, तो कहता है इंडोस्पर्म में भी दो पार्ट है, एक व्हाइट वाला पार्ट उसको बोलते हैं सॉलिड इंडोस्पर्म, और एक है लिक्विड वाला पार्ट उसको बोलते हैं लिक्विड इंडोस्पर्म। तो सॉलिड इंडोस्पर्म आपको वो जहां टोल प्लाजा होगा, जहां गाड़ी रुके हुए देखिएगा, दौड़ के थाली में लेकर आएगा, लोग कहेगा नारियल नारियल नारियल, ठीक है। तो अगर आप आपस में दोस्त हैं, सब बायोलॉजी के हैं, कहिएगा है, सॉलिड इंडोस्पर्म ले, सॉलिड इंडोस्पर्म ले, सॉलिड इंडोस्पर्म ले, ठीक है। और कहता है वो जो नारियल का जो पानी होता है वो आप देखिएगा शहरों में, ठीक है, मतलब शहरों में या नाटक में या सीरियल में देखिएगा, गरीब, दो गरीब कपल जा रहे होते होते हैं। गरीब मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वो एक ही में दो स्ट्रॉक, एक ही स्ट्रॉक घुसा, कभी कभी स्ट्रॉक भी बेचारे दुकानदार नहीं होता, एक ही घुसा के थोड़ा ये पिएंगे, थोड़ा वो पिएंगे, थोड़ा ये पिएंगे, थोड़ा ये पिएंगे। तो ये जो मिक्स टाइप का ट्रोफोलैक्सिस होता है, ट्रोफोलैक्सिस हमने क्या बताया था? माउथ टू माउथ न्यूट्रिशन। तो ये जो ट्रोफोलैक्सिस होता है, तो वो जनरली आप देखिएगा
चाय पीने में दो नहीं लगाएंगे स्ट्रॉ, ठीक है, उसमें नहीं लगाएंगे, इसमें जरूर लगाएंगे नारियल पानी। ओहो स्टैंडर्ड। वैसे नारियल पानी हमारा सब्जी वाला भी बेचता है, ठीक है, नारियल वहां पे जाएंगे लेंगे, लेकिन हम लोग घुसेर के नहीं पीते हैं, ठीक है। अरे ठीक है भाई, ठीक है, जब घूमने ही निकले हो एक उसको भी दो, पूरा दो, एक इधर दो, फीलिंग लेते हैं बेचारे, ठीक है। तो मतलब ये प्रूव करते हैं कि देखो हम लोग एक स्टॉक पी रहे हैं फिर भी कोरोना नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वहां पे वो ज्यादा मतलब ये ज्यादा दिखाने से कुछ नहीं होता है। अरे कोई बात नहीं, अगर प्यार अगर आपस में दिखाना है तो घर में बैठ के दिखाओ ना, रोड पे जरूरी थोड़ी है दूसरे को दिखाने के लिए प्यार हो। प्यार आपस में भी होता है, अपने लिए होता है, ये नहीं है कि हाँ सब लोग देखे एक मुंह लगा के पी रहे हैं तभी, ठीक है, तो वो नहीं होता है। तो कम से कम एक्स्ट्रा तो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। ये चलिए ये सब थोड़ा सा बता दिए क्योंकि चैप्टर खत्म होने वाला है। अब भाई ये पूरा का पूरा समझ गए, तो पेरिकार्प, इपिकार्प, मेसोकार्प, इपिकार्प का कंसेप्ट आ गया, सीड हमने पहले बता दिया। अब फ्रूट्स के टाइप देखिए जो एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैं बताने जा रहा हूं, ये मिटा दूं, समझ गए होंगे। तो कोकोनट में क्या हो गया, लिक्विड इंडस्ट पर जो पानी पीते हैं, ठीक है, और सॉलिड इंडस्ट पर जो हम दुकानदार के पास छोड़ के आते हैं यादगारी के रूप में, ठीक है, फिर बोलते हैं अंकल फिर मिलेंगे, ठीक है, पैसे नहीं हो तो फिर कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है, जो उधार लेकर चले हो। बहुत लोग उधार भी लेते हैं फिर भी साथ में पीते हैं, क्या क्या गरीबी है बहुत ज्यादा। अब देखो, ठीक है, ये देखो टाइप्स ऑफ फ्रूट, टाइप्स ऑफ फ्रूट। अच्छा फ्रूट का डिफिनेशन वगैरह तो पहले बता दिए, फ्रूट क्या है, राइपेंड एंड फर्टिलाइज्ड ओवरी, फर्टिलाइज्ड एंड राइपेंड ओवरी इज फ्रूट, और फर्टिलाइज्ड एंड राइपेंड ओव्यूल इज नोन एज सीड। ये तो आपको पहले टर्मिनोलॉजी में बता चुके थे इसलिए अभी मैंने डिस्कस नहीं किया। और ये टाइप्स ऑफ फ्रूट, यानी कि फ्रूट बनता है ओवरी से, ये आपको पता चल गया। ओवरी इज द पार्ट ऑफ कार्पेल या पिस्टल, और कार्पेल इज द यूनिट ऑफ गायनेसियम, और गायनेसियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो देखिए फ्रूट ये तीन तरह का, बस ये 5 से 7 मिनट का है, ये सीख जाइएगा आपका ये खत्म हो जाएगा। कहता है टाइप्स ऑफ फ्रूट, यानी कि फ्रूट कहता है कि ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट, ठीक है, फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है जी। तो ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। कहते हैं ट्रू फ्रूट, ठीक है, देखिए ये जो है ना फ्रूट, हमने क्या बोला आपको, ये किससे बनेगा, इस किसको बोलते हैं फर्टिलाइज्ड, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एंड राइपेंड ओवरी, राइपेंड ओवरी, यानी कि ये ओवरी किसका पार्ट है जी, फ्लावर का पार्ट, फ्लावर का मेन पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्रूट के फॉर्मेशन के लिए दो चीजें जरूरी है, एक तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और दूसरा, दूसरा क्या है बताइए, दूसरा वो फ्लावर का पार्ट होना चाहिए, फ्लावर का पार्ट होना चाहिए, ठीक है जी। कहता है ट्रू फ्रूट उसको बोलेंगे जिसमें फर्टिलाइजेशन भी हो और फ्लावर का पार्ट ही इन्वॉल्व हो, यानी ओवरी ही इन्वॉल्व हो, ठीक है, ओवरी इन्वॉल्व। तो कहता है इसमें ट्रू फ्रूट में ये भी क्राइटेरिया पूरा, ये भी क्राइटेरिया पूरा, ठीक है जी। फॉल्स फ्रूट में कहता है फॉल्स फ्रूट में बोलते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो होगा, ठीक है, बट ओवरी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जैसे सेब देखिए यहां पे, ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये फॉल्स फ्रूट है, इसका प्रूफ दिखाता हूं आपको, देखिए ये फॉल्स फ्रूट है, ये एप्पल है, ठीक है, यानी कि ये फर्टिलाइजेशन के द्वारा बना है बट ये ओवरी के द्वारा नहीं बना है, ये बना है थैलमस के द्वारा, जिसको हमने बोला था थैलमस या टोरस या रिसेप्टिकल। तो इसमें क्या होना चाहिए, अगर ये फर्टिलाइजेशन से बना है तो, फर्टिलाइजेशन से बना है तो सीड होगा, यानी कि ये देखिए, तो देखिए यहां पे ये देखिए, ये है सीड, ये इसका क्या है, सीड है, ये देखिए ये इसका है सीड, ठीक है जी, ये क्या है, हमारे उंगली पे रखा हुआ,
ये आपको सीड है, दिख गया होगा, ये है सीड, क्लियर। यानी कि ये फर्टिलाइजेशन से बना है इसलिए इसमें सीड है, ठीक है। लेकिन ये बना है किसका, ये किसका, ये जो हम खाते हैं फ्लैसी पार्टी किसका है, ये है थैलमस का, थैलमस या टोरस या रिसेप्टिकल, उसका ही मॉडिफिकेशन है, बट सीड है। यही प्रूफ किया कि इट इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट फ्रूट बट हैविंग क्या बोलेंगे, ठीक है, आप बोलेंगे यहां पे क्या है, सीड होगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन से बना है, लेकिन ये थैलमस का पार्ट है, ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं है। इसका एग्जांपल क्या होगा आपका, एप्पल, ठीक है, और दूसरा ब्लैकबेरी, ठीक है। अब देखिए कंपनी भी कितना बड़ा महान है, ठीक है, जो मोबाइल कंपनी है एप्पल फॉल्स फ्रूट के नाम पे, ब्लैकबेरी फॉल्स फ्रूट, दोनों फ्रूट फॉल्स फ्रूट के नाम पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रहे हैं, जमाना यही है, ठीक है। झूठे लोग जो होते हैं ना वही सब जगह सम्मान पाते हैं, आएगा कुछ नहीं, पूछिएगा 10th ट्यूशन पढ़ाने कितने लोग, 1,00,000 रुपया, अरे 1,00,000 की अपनी औकात देखे हो गए, क्यों ठग रहे हो, ठीक है। हाँ जी प्लस टू पढ़ा दोगे, पढ़ा तो दूंगा 1,50,000 रुपये, अरे काहे का 1,50,000 रुपये, मुंह दिखाई तेरा, मुंह भी तो सुंदर नहीं है, ठीक है। तो कहता है कि 1,50,000 लूंगा, ठीक है, 1,00,000 लूंगा, अरे भाई थोड़ा सा बर्दाश्त करके पढ़ाओ, ठीक है, मतलब ऐसे कोई थोड़ी पढ़ाता है भाई, ट्यूशन भी पढ़ाते हो तो ऐसे थोड़ी पढ़ाते हो, ठीक है। करनी धरनी कुछ नहीं, मेहनत कुछ करना नहीं है, ठीक है, और उसके बाद 1,00,000 रुपया 1,50,000 रुपया, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, क्या करोगे, तो वैसे लोगों की वैसे ही लोग फंसते हैं जो बहुत होशियार होते हैं, ठीक है। तो वो बच्चा भी वैसे ही, टीचर भी वैसे ही, दोनों डॉक्टर, दोनों फंसते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका, ये तो यहां पे हो गया, यानी कि ट्रू फ्रूट में फर्टिलाइजेशन भी होगा और फ्लावर पार्ट से बनेगा भी, फर्टिलाइजेशन होगा फ्लावर पार्ट से नहीं बनेगा, ये क्या होगा जी, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है, नो फर्टिलाइजेशन, लेकिन ये फ्लावर पार्ट से बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, यानी वहां पे सीड नहीं होगा, बताइए क्या होगा जी, ग्रेप, ठीक है, बनाना, ठीक है जी, ठीक है, ग्रेप बनाना, और ट्रू फ्रूट, ठीक है, मैंगो, ठीक है, कोकोनट, ये सब हो गया, ठीक है, बाकी सारे फ्रूट। अब बताइए कोई बीमार है, हम क्या लेके मिलने जाते हैं, आधा किलो सेब खरीद लेते हैं, आधा किलो अंगूर खरीद लेते हैं, ठीक है, ये सब खरीद के, ठीक है, ग्रेप्स, केला अंगूर सेब, यही तो तीनों लेके जाते हैं, कहते हैं कि गेट वेल सुन, यानी तुम उसको फॉल्स फ्रूट देके बोल रहे हो गेट वेल सुन, कहां से ट्रू होगा भाई, ठीक है, फॉल्स फ्रूट देके करो गेट वेल सुन, ठीक है, आपने उसको फॉल्स फ्रूट दिया, आपने उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट दिया, ओरिजिनल तो फ्रूट दिया ही नहीं, ट्रू फ्रूट दिया ही नहीं, और उसको कह रहे हो गेट वेल सुन, अरे यार कम से कम सही फ्रूट तो दो, ठीक है। तो हम लोग फॉल्स फ्रूट देके काम चलाते हैं, भर भर ले, क्या दिया, क्या लेकर, अरे फ्रूट्स लेकर, कौन सा, सेब, अंगूर, केला, अरे सेब बेचारा है फॉल्स फ्रूट, अंगूर और केला क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ओरिजिनल कुछ दिए उसको नहीं दिए ना, अरे झूठे लोग, ओरिजिनल तो चीज दो, चलो। तो मैंगो लेके हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं मैंगो लेके जाना चाहिए, कोकोनट लेके, देखिए भगवान को ओरिजिनल चीज चढ़ता है तो भगवान कुछ फल भी देते, पटक के एकदम पूरा नारियल है लो भगवान, ठीक है, फटाक, ठीक है, तो वहां भाग खुलता है, ठीक है, वहां आम चढ़ा के, ये क्या ये सब चढ़ाते हैं, चलिए अब देखिए, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया क्लियर, इसको मैं मिटाऊं, तो मैं मिटाऊंगा, लेकिन इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो ट्रू फ्रूट है ना, इसका देखिए, इसमें मैं आपको ट्रिक बताएगा, मजे लीजिए, ठीक है, इसमें भी कहता है, ये जो होता है इसमें होता है तीन पार्ट, इसमें कितना पार्ट होता है, तीन पार्ट, ठीक है जी, इसमें तीन पार्ट, ये जो तीन पार्ट है, ठीक है, इसमें कौन कौन है, देखिए इसमें है सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट, इसमें है एग्रीगेट फ्रूट, और इसमें है कंपोजिट फ्रूट और मल्टीपल फ्रूट, ठीक है जी। बताओ ट्रू फ्रूट क्या बोल रहा है, फर्टिलाइजेशन भी होगा और फ्लोरल पार्ट से बनेगा भी, तो बताइए अगर किसी में एक कार्पेल है, किसी में अगर एक कार्पेल है, ठीक है जी, किसी में एक कार्पेल है, तो हम बता रहे हैं कि
जिससे यहां पे कैसे हम आपको बताएं, चलिए यहीं पे बताते हैं। सिंपल फ्रूट का अर्थ है आइदर फ्रॉम वन कार्पेट, सिंगल कार्पेट, सिंगल कार्पेट। अब बताइए सिंगल कार्पेट अगर है कहीं पे, सिंगल कार्पेट अगर कहीं पे है तो क्या होगा जी? अगर सिंगल कार्पेल है तो क्या होगा? कहते अगर सिंगल कार्पेल है तो एक ओवरी होगा, और अगर मल्टीपल कार्पेल है तो क्या होगा? मेनी ओवरी होगा। लेकिन मल्टीपल कार्पेल अगर हो फिर भी सारे कार्पेल फ्यूज्ड हो, तो सारे कार्पेल फ्यूज हो तो आप क्या बोलते हैं, एपोकार्पस या सिंग कार्पस? सिंग कार्पस। तो कहता है या तो सिंगल कार्पेल हो, या ठीक है अगर मल्टी कार्पेलरी हो, मल्टी कार्पेलरी हो तो कैसा कंडीशन हो? मल्टी कार्पेलरी हो बट सिंग कार्पस हो, सिंग कार्पस हो, ठीक है जी। तो कहता है सिंग कार्पस मल्टी कार्पेलरी, कार्पेल ज्यादा है बट क्या है, फ्यूज है, तो उससे जो बनेगा या सिंगल कार्पेल जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे जी? सिंपल फ्रूट। क्या बोलेंगे? सिंपल फ्रूट। और इसी का जरा दूसरा लेना, एग्रीगेट फ्रूट में मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी बट सारे कार्पेल अलग अलग, तो उसको क्या बोलेंगे जी? ठीक है, मल्टी कार्पेलरी बट यहां पे क्या होगा? एपोकार्पस, एपोकार्पस यानी कार्पेल क्या अलग अलग हो, मतलब कार्पेल क्या हो अलग अलग हो, एपोकार्पस हो, तब बोलेंगे एग्रीगेट फ्रूट। और कहता है ग्रुप ऑफ फ्लावर हो, फ्लावर का ग्रुप हो, फ्लावर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस, यानी कोई अगर इन्फ्लोरेसेंस से ही डेवलप हो, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप हो, यानी फ्रूट ऐसा हो जो पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही फ्रूट में बदल गया, उसको क्या बोलेंगे जी? कंपोजिट फ्रूट, या उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल फ्रूट। बताओ मैं आपको जादू दिखाऊं, जादू दिखाऊं, ये देखो एक दो तीन, अब देखो अब जादू क्या होता है। सिंपल फ्रूट ये लो, सिंपल फ्रूट एस, सिंगल कार्पेल एस, सिंग कार्पस कंडीशन एस, ठीक है, एस एस एस। अब बताइए इसको अगर कोई चीटिंग कर ले तो उसको श्राप पड़ेगा कि नहीं? मेरा पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे ट्रिक को हम इतने मेहनत से पसीना निकाल के, ठीक है, बनाते हैं आपके लिए, पेश करते हैं, और कोई टीचर होता है ऐसे ऐसे मुंह बढ़िया कर ले तो देखो आज क्या प्रहार है, और उसके बाद चीट कर लेता है। अब बताइए ये चीट उसको करना चाहिए बेसर को? अरे ठीक है कर लिया, ठीक है, तो बोल तो दे पंकज का है बनाया हुआ। एस एस एस, वो कहेगा मैंने रात भर बच्चों को पढ़ा है, बेटे मैंने ऐसे बोल, बेटे मैंने रात भर पढ़ा है, रात भर भी ये ट्रिक बनाया है, जानते हो क्या है? एस एस एस, ठीक है ये ट्रिक है। अरे यार ये एक दिन का है भाई, 20 साल इसमें जिंदगी खपाए है तभी ये ट्रिक निकला है। सिंपल फ्रूट या तो सिंगल कार्पेल से बनेगा, अगर मल्टी कार्पेल से बनेगा तो वो सारा कार्पेल क्या होगा? फ्यूज होगा, तो सिंगल कार्पेल। एस एस एस, वो भी नहीं, आगे देखिए, ए फॉर एग्रीगेट और ए फॉर एपोकार्पस, यानी मल्टी कार्पेलरी अगर एपोकार्पस है तो एग्रीगेट फ्रूट। और वही नहीं, अभी जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसका पहले नाम क्या था? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये लीजिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, हो गया काम खत्म। यानी मल्टीपल फ्रूट या कंपोजिट फ्रूट किससे डेवलप होता है? इन्फ्लोरेसेंस। बताइए कितना मेहनत का ट्रिक है, इसको चुराएगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं ऐसे ही यूट्यूब पे डोज देता रहूंगा, कभी तो उसका मतलब जो मॉरल है वो बाहर आएगा, मॉरल वैल्यूज, नहीं चीटिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये तो गाली सुनता रहेगा वो आदमी भी मेरा वीडियो देखता है, पता है आपको 2-3 टीचर हैं जो मेरे वीडियो को चुराते हैं, कंटेंट को वो देखते भी हैं, उनके लिए चेतावनी है, ठीक है, पढ़ो, ठीक है, किसी को ठगो मत, पैसे बच्चों के बहुत मेहनत से आते हैं, ठीक है, जितना लेते हो उतना बच्चों को दो, ठीक है, ठगो मत, तेरा बेटा भी लुट जाएगा बाजार में, तुम तो उसमें बुढ़ा हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो चलिए ये आपका फ्रूट भी खत्म हुआ, अब लास्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें क्या है, 3 क्या पढ़ना है, फैमिली, कौन कौन? सोलेनेसी, लिलियेसी और पेपलिनेसी, वो तीनों का हो सकता है कि मैं साउंड वीडियोस का बनाऊं, ठीक है,
नहीं तो हो सकता है कि मैं बोर्ड पे ही आपको उसका बताऊं, क्योंकि उसमें सारा कुछ बता चुके हैं, बस उसका अरेंजमेंट देखना है, फ्लोरल फॉर्मूला कैसे होता है। ओके, तो ये मॉर्फोलॉजी आपका खत्म हो जाएगा। अगला जो चैप्टर होगा फिर जूलॉजी का होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। वेट कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।